और दूसरी तरफ आवाम को ये समझना चाहिए, उनकी तरबियत करनी चाहिए कि किसी तरह उनके दिल में ये बात बिठाई जाए कि भाई रियासत का जो काम है वो आप अपने हाथ में न लें और ख़ुद ही फैसले न करें। बल्कि अब ये कि बाकी कोई तौहीन रिसालत हुई है या नहीं हुई है, ये तो एक वाक़े का सवाल है। इस वाक़े के सवाल की तहकीक कौन कर सकता है सिवाय अदालत के? तो इस वास्ते हमें ख़ुद से कोई इकदाम करने का सवाल नहीं पैदा होता, वाक़े की तहकीक होनी चाहिए। शरीयत का तो यह हुक्म है कि अगर काजी ने अपने आँखों से कोई जुर्म होते हुए देखा है तो काजी को भी यह हक हासिल नहीं है कि वो उसके ऊपर अमल कर ले और उसके बराबर सज़ा दे दे, बल्कि उसको फिर अदालती कार्रवाई के ज़रिए ही गुज़र कर ही कोई फ़ैसला करना होगा। सिर्फ अपने इल्म के बुनियाद पर नहीं कर सकता काजी फैसला कि मुझे मालूम है कि फलाने ये डाका डाला, लिया था मैं उसको अपने इल्म की बुनियाद पर सज़ा दे दूँ, यह नहीं हो सकता।